और इसीलिए मतलब बहुत सारे काम जो है, जिस तरह अभी हमारा एट्रोसिटी एक्ट है, इस एट्रोसिटी एक्ट को पूरा संरक्षण देने का कानून बन गया है। एक्ट में मुझे लगता है कि सवर्णों पर अन्याय नहीं होना चाहिए, बेकसूर आदमी पर वो एक्ट नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये एक्ट दलितों की सुरक्षा करने का ही कानून है, ये सवर्णों पर अन्याय करने वाला कानून नहीं है। इसीलिए मैं जिन लोगों ने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में जिन्होंने आंदोलन किया, उनको मैं एक बार दिल्ली बुलाकर मैं उनके साथ चर्चा करने वाला हूँ। और मतलब जिस तरह यहाँ चाय पे चर्चा हो रही है, वहाँ मैं उनके साथ नाश्ते की चर्चा करूँगा और उनके उनको मैं बताऊँगा कि आप हमको बताइए कि भाई कहाँ मिसयूज उसका होता है। अगर मिसयूज होता होगा तो उसमें ध्यान देने की मेरे मंत्रालय की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए किसी सवर्णों पर अगर अत्याचारी होगा नहीं तो फिर एट्रोसिटी एक्ट लगने का विषय आता नहीं है। आप दलितों के साथ दोस्ती करो, जब चुनाव आता है तब सभी पार्टियां दलितों के बस्ती में घूमती है, दलितों को बहुत बड़े आश्वासन देती है और दलितों का वोट लेने का प्रयत्न करती है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर बाद में उनको लगता है कि भाई ये दलित ये हमारे ऊपर अन्याय करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसीलिए मुझे लगता है कि एट्रोसिटी एक्ट पर जो थोड़ा गलतफहमी हुई है, और जिन्होंने मतलब भारत बंद का ऐलान किया, वो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, वहाँ ही बंद का असर पड़ा और वहाँ ही लोग रस्ते में आकर उन्होंने विरोध किया है। इसका मतलब मेरा आरोप है कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ था। और जब एट्रोसिटी एक्ट का कानून मतलब बिल नहीं ला रहे थे तो कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही थी, अभी बिल पास किया तो फिर सवर्णों को भड़का कर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ वातावरण निर्माण करने का काम कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जो वसुंधरा जी जो मतलब यहाँ की मतलब मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसीलिए लोगों को लग रहा है कि भाई 5 साल के बाद यहाँ की सत्ता पर पलटती है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, ऐसा होता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं, इस बार दोबारा बीजेपी सत्ता पर आएगी और अच्छे मेजोरिटी से सत्ता पर आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है और इसीलिए हम लोगों के बीच में जाएंगे।